एनएस कंसर्ट में आपका स्वागत है। आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अब से जो भी सवाल लिया जाएगा वो आजकल का बेस्ट ट्रेंडिंग पैटर्न पर होगा। आप लोग अगर ठीक से चैनल को फॉलो करते हैं तो आशा है कि आपकी बहुत सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया या ट्रिक हो गया, ये आप लोगों के ऊपर बोझ बनना देना नहीं चाहता हूँ। इसका मेन रीज़न है कि आप देखते होंगे कि मेरा रिजल्ट हर बार कैसा होता है। सभी कोचिंग एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ रहता हूँ। तो इसका मेन रीज़न है आप लोगों का भी कमज़ोरी में, आप लोगों का कमज़ोरी कहाँ कहाँ, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देखे होंगे कि इस बार रेलवे में भी बहुत बढ़िया रहा, और आसाम पुलिस ले लीजिए और सारे एग्जाम्स को ले लीजिए, जितने भी एसआई से लेकर सब कुछ में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि आप लोगों का बेसिक अगर ठीक तरीके से क्लियर रहे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमें इस बात को जानकर बहुत खुशी है, सिर्फ बच्चे ही नहीं पास किए हैं कि यहाँ के मैक्सिमम टीचर जो देख रहे हैं अभी, वो सभी मेरा ही छात्र है। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं इसी वाणी के साथ जो है कि सवाल। तो देखेंगे कि मैं बहुत ही आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन लिया हूं, और आप इसको शुरू से अंत तक देखें तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। तो देखिए, पहला सवाल है कि किसी धन राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आप सूत्र लगाना छोड़ दें। आप देखिए कि पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, ठीक है, कहता पहला वर्ष ब्याज अगर 48 है, पहला वर्ष तो कोई भी ब्याज नहीं मिलता है चक्रवृद्धि का, क्योंकि पहला वर्ष जो भी कोई भी धन है उसका साधारण ब्याज ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे तो दूसरा वर्ष भी साधारण, पहला जो पिटेबल होगा ये साधारण ब्याज इतना है, तो दूसरा साल भी साधारण ब्याज का उतना ही होगा। लेकिन 48 का ही जो ब्याज एक्स्ट्रा आएगा, 48 का हम क्या करते हैं, 48 का कितना परसेंट बोला, 8%, तो 8% निकाल लेते हैं। तो आप इसको गुना 48 × 8 कीजिएगा तो कितना होगा, 384 हो जाएगा। इसका 2 0 बैठा दीजिए, 3.84 हो जाएगा। बस इसमें से 3.84 आपको ऐड कर देना है, बस 3.84 ऐड कीजिएगा। क्यों, क्योंकि पहला साल तो 48 मिला, दूसरा साल कहता है कितना मिलेगा, तो इसमें जोड़िए कितना होगा, 51.84 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, 51.84 आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना है जी। यहाँ सोचो कि जैसे यहाँ देखें 48 है, 48 का ही में ही दूसरा साल क्या होगा, 48 का भी 8% जुड़ जाएगा, बस यही हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन राशि 2 वर्ष में 2420 रुपया, देखिए 2 वर्ष में 2400 कितना, 2420 रुपया, और 3 वर्ष में कितना हो गया, तो 2662 हो गया। देखिए इनको अगर आप नियम रूल से बनाएंगे, किताबी नियम से या और कोई अप्रोच से बनाएंगे, माना कि एक्स करके, तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको एक बेस्ट वे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए गैप कितना साल का, 1 साल का है। 1 साल का मीनिंग ये होता है कि इसमें से जितना भी रुपया बढ़ा होगा, प्रॉफिट या लॉस समझ लीजिए ना सीधा से, कितना प्रॉफिट हुआ, सोचो तो जी कितना हुआ पर प्रॉफिट, आप इनको घटाइए तो कितना होता है, 10 इसमें से घटाइए तो 2420 में आप घटा के देखिए तो कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। घटा के देखिए तो 242 आ जाएगा। आप घटा के देखिए, अरे ये 242 जो आया इसका डिफरेंस तो किस पर आया, यही धन पर ना आया होगा, आया होगा कि नहीं, बोला कि कितना प्रतिशत की दर से हुआ, तो यानी यही धन पर इसी का ना ब्याज, 1 साल में तो इसी धन का ब्याज 10% से बढ़ के 20% 10% 5% जो भी होगा, तो यानी कितना पर, ये 2420 पर है ना जी, 2420 पर ही 242 बढ़ा, तो 100 में कितना बढ़ा, इसी को प्रतिशत कहते हैं। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 बार में कटेगा,
एक जीरो खत्म कर दीजिए, आंसर आपका कितना हो गया, 10% हो गया। तो आपको यही पूछ रहा था कितना परसेंट से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझे ना? अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर से देखिए आप इसको, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 6,000 है ना, तो 6,000 आप लिख लीजिए। हम आपको सूत्र नहीं बताएंगे, ना ट्रिक बताएंगे, लेकिन उनसे फास्ट होगा, है ना। मैं समझाने में थोड़ा देर कर देता हूँ, लेकिन आपको समझाना है, इसीलिए मैं इतना देर लगाता हूँ, ठीक है। अब देखिए 6,000 रुपया हो गया, तो 6,000 रुपये का 10% के दर से पहला साल और दूसरा साल भी यहाँ लिख लीजिए आप, क्लियर है। अगर इसका 6,000 का 1% कितना होगा, 60 रुपया होगा। 10% कितना होगा, 600 रुपया होगा, होगा 10% 600 रुपया। यहाँ भी दूसरा साल भी है 600, क्योंकि ये जो पहला टेबल जो होता है ये साधारण ब्याज का होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का टेबल क्या होता है कि इन पर जो ब्याज मिलेगा वही एक्स्ट्रा बढ़ता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी ब्याज का ब्याज, ठीक है। तो अब दूसरा साल होगा तो 1% कितना होगा, 6 रुपया होगा ना, यहाँ पॉइंट देंगे तो, और 1% 6 रुपया होगा, 10% कितना होगा, 60 रुपया होगा, होगा। लेकिन ये आप दो साल नहीं बोला है, डेढ़ साल बोला है, तो इसका आधा आधा कर लेंगे, तो आधा साल का आधा, आधा साल का आधा। अब यहाँ कितना हो गया जी, 300 हो गया मेरा, यहाँ कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। अब बताइए 600, 300, 900, 930 हो गया कि नहीं। देखिए आप ओरली कर पा रहे हैं, देखिए 930 रुपया। आजकल ऐसा सब सवाल ही पूछा जा रहा है, आया समझ में, 930 रुपया आंसर हो गया, क्लियर है। किसी को कोई समस्या अगर है तो बोलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अब ये अगला सवाल आपका है कि 800 रुपये का, 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 4 महीना, देखिए 2 वर्ष और 4 महीना जैसे हुआ तो आप समझिए कि 3 साल पर चले गया ही। तो लिखिए पहला, लिखिए 1, 2 और 3 साल का लिख दीजिए, क्लियर है। इससे भी फास्ट होगा, लेकिन के अभी आप नहीं समझेंगे उसको, जब हम एक पूरा बेसिक का क्लास जब करा देंगे तो आपको एकदम रेशियो से निकाल देंगे हम, लेकिन यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं। अच्छा बोलिए इनका 1% कितना होगा, 80 रुपया, तो 15% कितना होगा, 15 और 120 यानी 1200 रुपया होगा। एक जीरो और चिपकाइएगा, 1200 होगा ना, है ना। तो यहाँ भी 1200 हो जाएगा और यहाँ भी 1200 मेरा हो जाएगा। अब दूसरा, इसका जो 1200 का जो 15% कितना होगा, 180 रुपया होगा, होगा यहाँ, यहाँ पर 180 रुपया। तीसरा साल क्या होगा, इनका ब्याज, इनका ब्याज 12% करके, 15% करके, तो 180 दोगुना कितना होगा, 360 रुपया यहाँ हो जाएगा। और 180 का 1% होगा 1.8 और 15% कितना हो जाएगा इसका, तो इसको गुना कीजिए तो 1.8 को अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा, जब हम 1.8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष 4 महीना है, तो देखिए कि 1.8 गुना हम कर लेते हैं कितना से, 15 से। देखिए ऐसे इसको भी गुना करने का एक टेक्निक बताते हैं, 18 गुना 10 कीजिए कितना होगा, 180, और 18 का 5 मतलब उसका 10 का आधा 90 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 0, 9, 8, 17 के साथ 270 होगा। ये एक पॉइंट बैठा दीजिए, यानी 27 रुपया आ जाएगा इसका, 27 होगा। किसी को कोई तकलीफ है तो बोलिए अभी यहाँ तक। अब लेकिन कहता है 4 माह का, तो देखिए 4 माह जैसे बोला जी, तो 4 माह मतलब समझते हैं क्या होता है, 4 माह मतलब 1 वर्ष में 4 माह कई बार होता है, 12 महीना होता है एक साल में, 4 से भाग देंगे कितना होगा, 3 से, 3 आएगा ना, तो यानी यही 3 जो आया तो 3 से सबको भाग दे देंगे हम, यहाँ 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 देंगे भाग, यहाँ 3 देंगे भाग, यहाँ भी मैं 3 से भाग दे दूंगा, कितना होगा, 3 चौके 12, 400, 12 3 36, 120, 3 9 27 ना।
अब इसी को आपको जोड़ लेना है, समझे? इन्हीं को आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब जोड़िए तो कितना होता है, जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 12 दूना 24 4 28, 2800 यहाँ हो गया, 2800, और यहाँ पर कितना हो गया, 180 120 300 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 रुपया। तो 28 दिन कितना होता है जी, 8 3 11 3100, 9 रुपया हो गया आंसर। आप एकदम ओरली देखिए, आप जैसे सब्जी बेचने वाला जो हिसाब करता है, आप उस तरीके से सवाल को कर लिया। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, आया समझ में? आपको कोई सूत्र याद नहीं करनी है, मेरे साथ बने रहे आप, आपको पता चलेगा कि आपका CISIM जितने सारे सूत्र हैं सारा मैं हटा चुका हूँ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यही समझिए कि जो पढ़ाता है वो कितना कंसेप्ट क्लियर उसका हो गया होगा, जो कि वो आप लोग के सामने खड़ा हो जाता है मेरा बचवा लोग, ठीक है? तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छा तरीके से देखें, नए समझते हैं हमको कमेंट करें कि यहाँ समझने में दिक्कत है, मैं फिर से उसको लूँगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल है, 18,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से, 18,000 रुपया है इस पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 3 वर्ष जैसे होगा तो आप देखिए ये एक टेक्निक याद रखिए, 3:3:1, ये भी कैसे आया तो हम ये भी क्लियर करके बता सकते हैं। मैंने जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उसको सबको ये सब तुरंत निकाल लेगा वो 10 से 15 सेकेंड में, समझे? तो चलिए अब देखें, यहाँ 10% निकालिए पहले इसका, इसका 1% हो गया कितना, 18,000 है जी, 1% हो गया 180, 10% हो गया कितना, 1800, इनका 1% हो गया 18, 10% हो गया 180, इसका 1% हो गया कितना, 8 1.8, 10% हो गया 1.8, 10% कितना हो गया, 18 रुपया हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं, क्लियर है, कर सकते हैं ना जी? अब आप इनको सिर्फ गुना कर लीजिए बाबू, 18 3 कितना होगा, 5400 यहाँ हो गया, प्लस 180 18 3 54 540 यहाँ हो गया, यहाँ 18 गुना 18 18 कर लीजिए। यहाँ पर आप इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए 54 5 कितना होता, 5 4 9 59 59 48 59 48 जोड़ने से होगा कि नहीं, 48 हो जाएगा, 5958 रुपया हो जाएगा क्या इसको जोड़ने से आंसर। आप देखिए इसको सब्जी बेचने वाले तरीके से बना दिए, है ना? आप इस बात को 5958, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखिए आपको एक चीज़ दिमाग में लगा कर रखना पड़ेगा, जो सब्जी बेचते हैं वो PhD किए हुए नहीं होते हैं, लेकिन वो आपका ना 4 आना 10 पैसा 8 आना सारा कैलकुलेट कर लेता है ना? तो आप वही चीज़ को मैथ में लगाएं, आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। देखिए दो, पहला साल और दूसरा साल, 2 वर्ष का जो है कि 102 रुपया थे, हम मान लेते हैं कि 50 रुपया पहले साल दिया होगा, 50 50 करके साधारण ब्याज होगा, और 2 रुपया जो आया होगा ना ब्याज आया होगा किसका, ये 85 रुपया का, तो 50 में 2 रुपया तो 100 में 4 रुपया, 4% हो गया कि नहीं, 4% साधारण ब्याज हुआ कि नहीं, बताइए, सही बात कहता है। अरे भाई जब 50 में 2 रुपया तो 100 में 4 रुपया, तो 4% तो हो ही गया, हुआ ना, आया? अब हमको कहता है साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज मैंने क्या बोला कि पहला टेबल साधारण ब्याज होता है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा, 100 रुपया, क्लियर? आपको कोई परेशानी हुआ बताएं, आपको सिर्फ समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया, 1 वर्ष के अंत में कितना, तो 650 रुपया, और 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, पहला वर्ष इतना, दूसरा साल कितना हो जाएगा कहता है, दो वर्ष के अंत में, दूसरा साल मतलब एक एक साल का दिया है, कितना, 676 रुपया हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ डिफरेंस देखें कितना है, 26 रुपया का डिफरेंस आया कि नहीं, देखिए यहाँ अगर मैं यहाँ 650 ही रख दूँ या 26 रख दूँ तो बताइए कि 650 पर ही आया होगा इतना ब्याज, तो यानी कि अब 26/650 और गुना अगर हम 100 कर देते हैं, 0 0 खत्म, 5 2 गुना 10 और 13 5 65, 13 2 गुना कितना हो जाएगा, 26, यानी 4% आ जाएगा, बोलिए 4% आएगा कि नहीं? तो हम इस पर अब ना
एक चीज पकड़ के रख लेते हैं कि ये किस पर आया होगा। तो अब यानी कि किसी का भी 4% जोड़ के अगर 650 दे दे तो मेरा आंसर वही हो जाएगा। हम 520 का इसका 4% हो गया, नहीं ये तो ज़्यादा ही है, ये तो देखिए 570 बहुत कम। अब 600 पकड़ते हैं, 600 का 1% कितना होता है, 6 रुपया, 4% 24 रुपया, अच्छा 650 नहीं हो सकता है, 625 पकड़ते हैं, तो 625 रुपया, 625 का 4% कितना होगा जी, 4% देखिए 4% मतलब होता है 1/25, कटाइएगा तो 1/25 कीजिएगा तो 25 × 25 625, सही बात है। देखिए 625 का 1/25 कीजिएगा तो 25 × 25 = 600, यानी इसमें 25 जुड़ने पर क्या हो जा रहा है, 650 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, आंसर हो गया मेरा 625। क्लियर है ना, ऑप्शन का सहारा है तो एग्जाम हमारा है, एकदम आराम से इसको बना लेंगे। हमको वहाँ पर जो है कि तिस्मार खान ने बनना एक पूरा दिखाना है उसको, हमको ऑप्शन से चलना है, ठीक है। इसका अगर डील में जानना है मैं वो भी बताऊंगा आपको, एक एक कन तोड़ के बता सकता हूँ, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर वही ऐसा कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक की डिमेरिट है जी, अगर बैठाना है तो बस छोड़ के आना पड़ेगा सवाल, समझे। इसीलिए आपको बेसिक एकदम फटाफट अंदाज में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ ध्यान दें, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया की धनराशि कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। एक बात बोलें, ये सवाल अगर आप नियम से करने जाएं, सूत्र से, तो आपका मन ठंडा दिमाग गर्म हो जाएगा, समझे। तो इसको करेंगे कैसे, तो देखिए इसको हम बहुत अच्छा व्यू बताते हैं करने का। एक बात बताओ जी, बढ़ के टका कितना हो गया, 14887 है ना, और वन कितना रुपया था, तो 125000 था, है ना, है ना। यहाँ पर अब हमको एक चीज डाटा मिला के चलना है, अब 12% की दर से, लेकिन यहाँ ध्यान दें 12% की दर से, देखिए 12% 12% की दर से, समझे कि नहीं, 12% की दर से है। अब देखिए हमारा यहाँ अंग्रेजी में एक ठो यहाँ ये हो गया, इसको न मानिएगा आप, ठीक है। यहाँ कुछ सम इतना, बिकम्स इतना, एट इतना, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक होता है, अच्छा एक बात देखिए, अर्धवार्षिक अगर होगा, बात समझिएगा, ब्याज अगर अर्धवार्षिक होगा, बात समझिएगा क्या होगा, अर्धवार्षिक अगर होगा, अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक जब होगी जी, तो ये 12 साल 12 महीना का 6वें महीना में हो जाएगा कैलकुलेट, देन 12% है तो 6% करके होगा, बोले होगा कि नहीं, ब्याज का दर भी आधा हो जाएगा। अब देखिए इनका हम इस, ये तो मूलधन ये था, तो 1% इसका कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, आया समझ में, 1% कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, आया समझ में ना। अब 12% तब कितना हो जाएगा, 6% कितना होगा, इसको गुना कर लीजिए, 1250 को 6 से गुना चाहिए, 12 छाके इसको 1250 रुपया है, 1% इतना, तो 1250 रुपया को 6 से गुना कर लीजिए, 6%। अब देखिए 12 छाके 7200 रुपया हो गया, और 6 × 5 देखिए 50%, 6 रहेगा 300 हो जाएगा, यानी 7500 रुपया, यहाँ 72 × 3 = 7500 रुपया हो रहा है। और यहाँ देखिए कि दोनों का गैप कितना का है, देखिए तो यहाँ इसका गैप कितना रुपया का आ रहा है, तो गैप हो रहा है कितना, घटा के देखिए तो 7777 इधर हो गया 23877 हो गया। अब बताइए एक टेन्योर में 7500, तो वही कितना लगभग गुना कर लीजिए आप, 7 × 21 लगभग 3 गुना, यानी कि ये 3 गुना, उसके बाद जो है कि इन्हीं का जो है कि मल्टीपल निकालिए, कितना गुना है जी, यहाँ देखिए यहाँ कितना गुना है, यहाँ ध्यान दें ये लगभग 3 गुना है ना, तो 1 गुना जब 6 साल का है, 6 महीना का है, तो 3 गुना कितना होगा, 1.5 साल का होगा, होगा आंसर मेरा हो गया कितना, 1.5 साल हो गया। आपको ऐसे एकदम लॉजिकली कैलकुलेट कर लेना है, आप अगर सूत्र से बनाने जाएंगे आपका जो है कि दिमाग गर्म हो जाएगा बाबू, और सवाल बनेगा भी नहीं, वहाँ समय बहुत कम रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर आपका, 1.5 साल, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 9वां नंबर सवाल पर पहुँच चुके हैं,
ठीक है। तो नौवां नंबर सवाल कहता है 16,000 रुपया, कितना हजार रुपया, तो 16,000 रुपया, ठीक है 16,000 रुपया है। देखो बाबू 16,000 रुपया, कितना रुपया, तो 16,000 रुपया 20% वार्षिक दर से 9 मंथ का, 9 महीने का क्या होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक दे हो। एक बात बताएं, 3 माह ही अगर होगा जी, तो 12 महीना में 3 से भाग दें, कितना होगा, 4 बार कैलकुलेट होगा ही, तो 4 टर्म हो जाएगा, होगा ना। तो अगर हम जबकि 4 से गुना करना पड़े समय में, तो रेट को भी 4 से भाग देना पड़ता है, तो 20 को अगर 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 5% आएगा, बोले आएगा कि नहीं। तो यानी 9 महीना में तब कितना टेन्योर हो जाएगा, 3 3 6 3, यानी 3 टेन्योर होगा, 3 टर्म होगा, होगा। तो 3 टर्म का सूत्र होता है सीधा, आपको एक बात बताते हैं, कंसेप्ट ऐसे लगाइएगा जल्दी बन जाएगा, 3:3:1 लगा दीजिए आप। तो इसका 1% हो गया 16 रुपया, 16,000 रुपया है जी, सॉरी 160 रुपया आ गया, 16 × 5 = 80, 800 रुपया हो गया, कितना इसका हो गया 5%, 800 रुपया, इसका 1% 8 रुपया, 5% 40%, इसका 1% हो गया 0.4, 5% 5×20 यानी 2 रुपया हो गया, होगा ना जी, 2 रुपया होगा कि नहीं। अब इनको गुना कर लीजिए, आप इनको गुना कीजिए, आपका आंसर सामने दिखाई देगा, देखिएगा आंसर 8 × 3 = 2400 हो गया, ठीक है 40 × 3 = 120 हो गया, 2×1 = 2 हो गया। आप इनको जोड़ लीजिए 2400 और 100, 2500 20, 2500 20 2 22, 2522 ना हो गया आपका आंसर, कितना हो गया 2522 हो गया मेरा, क्या करेक्ट आंसर हो गया 2500, कितना हो गया 2522, क्लियर है 2522 मेरा आंसर हो गया। देखा आपने कैसे बना सवाल। तो चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो देखिए पाल, अब देखिए इस स्लाइड का अंतिम सवाल पर पहुंच चुके हैं हम, ठीक। चलिए कथा 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि पहला वर्ष 4%, दूसरा वर्ष 5%, तीसरा वर्ष 6%। आप सब्जी बेचने वाला नियम लगाइए 1 2 3, ठीक है, जैसे सब्जी बेचने वाला लगाता है। हम आपको अभी तक मैं एक भी सूत्र से किया हूँ नहीं, मैंने 3 3 1 भी लगाया, तो अपना लॉजिक लगाया है, मैं उसको प्रूव करके दिखा सकता हूँ कैसे आता है वो, ठीक है। तो चलिए, तो पहला सवाल है इसमें पहले बार क्या बोल रहा है कि 10,000 का 1% कितना होगा, तो 100 रुपया होगा, तो 4% 400 रुपया होगा, बोलिए होगा कि नहीं 400, तो 5% 500 होगा, पहले आप ऐसे लिख दीजिए, 6% 600 होगा, होगा ना जी, समझ रहे हैं आप। अब देखिए हम इनका दूसरा साल में जब इस टोटल का 5% निकले, 400 का 5% लगेगा जी, 1% 4 रुपया, 5% 20%, होगा। और तीसरा साल क्या होगा, 6% निकालोगे इसका, 1% 4 रुपया, तो 6% × 6 = 24% हो जाएगा यहाँ, और 5×5 = 30% हो जाएगा, और इसका 20 रुपया का भी तो देना पड़ेगा 6%, 1% हो गया कितना 0.2, 6% कितना होगा 1.2। अब आप इनको जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ सकते हैं, 4 5 9 6 15, या 1500 हो गया, प्लस देखिए 20 20 30 50 50 24 कितना होगा जी, 50 2 60 64 हो गया, 50 2 70, 70 4 74 हो गया, 74 हो गया, यहाँ 1.2 हो गया। आप कह सकते हैं 1575.1574 = 75.2 रुपया, 1575.2 रुपया हमारा आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है आंसर, है ना। चलिए तो थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक तो बनता है जी, लाइक्स करें, शेयर करें, आप जितना हमें प्रोत्साहन देंगे मैं उतना ज़्यादा और जोश के साथ आपको आपके पीछे लगा रहूँगा। तो धन्यवाद, फिर से आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ, थैंक यू।